अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि 10th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की जो काउंसलिंग का शेड्यूल कल आया है, 31 दिसंबर से आपकी काउंसलिंग चलेगी और 7 जनवरी तक यहां पे आपकी काउंसलिंग रहने वाली है। इस बीच आपको पता है कि जब किसी भी कोर्स की काउंसलिंग आती है तो उसकी गाइडलाइंस, काउंसलिंग का प्रोसीजर, सीट मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ मैं आपको समझा देता हूँ। तो सेम आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो गाइडलाइंस रहने वाली है 10th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा के कैंडिडेट्स के लिए, वो मैं आपको समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। आपका कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, उसके साथ साथ जो काउंसलिंग का प्रोसीजर आपका होता है उसके बारे में भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं सेपरेट वीडियो उसके बारे में भी अपलोड करूंगा और डिटेल में आपको मैं समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर दीजिए। जो भी अपडेट होगा, जो भी सीट मैट्रिक्स वगैरह होगा, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आपको मैंने कल ही जो काउंसलिंग की नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराई थी तो यहां पर आपको दिख रहा होगा जिस भी डेट को आपको जाना होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलॉन्ग विद टाइम किस टाइम आपको जाना है। तो 7 जनवरी तक, सैटरडे से सैटरडे तक यहाँ पे आपको काउंसलिंग चलेगी। तो इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ेंगे। तो पहली इंस्ट्रक्शन है, जिन कैंडिडेट्स ने जो है वो 18 जून को काउंसलिंग जो है वो की थी, यानी कि जो पहले FMPHW MMPHW की काउंसलिंग हुई थी, देन उसके बाद एक ही दिन इसका गया था, रैंक 1 से लेकर रैंक 500 तक के कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। देन उसके बाद कहा गया था कि CDP का कोई मसला है तो काउंसलिंग फिलहाल नहीं होगी। तो उन कैंडिडेट्स जिन्होंने वो काउंसलिंग की है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, वो कैंडिडेट यहाँ पर कल जो है वो जाने की जरूरत उनको नहीं है 31 दिसंबर को। लेकिन जिन कैंडिडेट्स को वो काउंसलिंग जो है वो मिस हो गई थी या उसमें वो एलिजिबल वगैरह नहीं थे, तो वो इस काउंसलिंग में इजीली जा सकते हैं। रैंक 1 से लेकर रैंक 500 तक के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको पिछली काउंसलिंग मिस हुई है या उसमें वो जा नहीं पाए, तो वो कैंडिडेट जो है वो 31 दिसंबर को यहाँ पे जा सकते हैं। उसके साथ साथ जो रैंक 501 से लेकर 6567 तक जो कैंडिडेट्स हैं उनको BOPI ऑफिस श्रीनगर या BOPI ऑफिस जम्मू चले जाना है। जो टाइम आपको दिया गया है, ऊपर आपको टाइम भी दिखेगा, यहाँ पे अपना अलग अलग टाइम है। जैसे रैंक 501 से लेकर 800 तक रैंक तक के कैंडिडेट्स को 9 से 10 बजे तक जाना है, तो इसी टाइम में आपको BOPI ऑफिस में चले जाना है। चाहे आप श्रीनगर चले जाओ, अगर आप जम्मू से हैं तो जम्मू चले जाओ, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह, अटेंडेंस वगैरह होती है और उसके साथ साथ आपको काउंसलिंग का फॉर्म वगैरह मिलता है, वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। देन उसके बाद काउंसलिंग यहाँ पे ज़्यादा टाइम रहती नहीं है, 1-1.5 घंटे में ये निपटा देते हैं काउंसलिंग, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इन्होंने 3-3 शिफ्ट एक दिन में रखे हैं, 1-1 घंटे के 3 शिफ्ट। तो लास्ट डे आप देख सकते हैं 4-5 शिफ्ट इन्होंने रखे हैं, तो इसलिए आप अपने टाइम पर जाना। अगर आप अपने टाइम पर जा नहीं पाओगे तो मे बी आपको फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका ना मिलेगा, फिर आपको डिले वगैरह हो जाएगी। इसलिए जो आपको टाइम दिया गया है उससे पहले ही आप 1 घंटा आधा घंटा वहाँ पर पहुँच जाए। तो उसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए जाना है, जितनी भी रैंक आपकी है, तो उन कैंडिडेट्स को जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स भी यहां पे ले जाने हैं अपने साथ। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, एक तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। जो यूटी लद्दाख के कैंडिडेट्स होंगे उनके पास जो है ST सर्टिफिकेट लगती है डोमिसाइल के बदले, उनके पास डोमिसाइल होती नहीं है। उसके साथ साथ यहां पे आपको मार्कशीट 10th क्लास की आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये 10th बेस ही डिप्लोमा है और आपकी सिलेक्शन भी जो है वो 10th के बेस पे रहने वाली है। उसके साथ साथ यहां पे अगर आपके पास कोई कैटेगरी है वो यहां पे आपको लगेगी। उसके साथ साथ अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं, फिजिकली चैलेंजेड कैंडिडेट्स हैं, तो उसकी जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो यहाँ पे आपके पास जरूरी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं लगने वाला, ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बाकी आधार कार्ड वगैरह भी आप अपना साथ ले जाना। उसके साथ साथ जो आपका सीट मैट्रिक्स है वो आपको जो है वो, अगर आपकी 31 को काउंसलिंग है तो 30 को शाम को यहाँ पे आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। जो 18/7/2022 को सीट मैट्रिक्स था उसमें कुछ सीटें फिलअप हो गई होंगी 18/7 को, देन उसमें जो है वो जो कल 31 या 30 को सीट मैट्रिक्स आ जाएगा उसमें थोड़ी सी सीट्स कम होंगी। ठीक, तो कितनी सीट्स क्या कुछ होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, शाम तक मैं अपलोड करूँगा सीट मैट्रिक्स के बारे में, वो भी आप जो है वो टेंशन उसकी मतलब। बाकी रहा जो ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स होगा काउंसलिंग का, वो आपको 30 दिसंबर को शाम को आ जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए जाने वाले हैं उनको जो BOPI की वेबसाइट है उसको रेगुलरली विजिट करना होगा, ताकि अपडेट्स वगैरह कुछ भी होते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी वो मैंने आपको समझा दी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही था जिन्होंने 18 जून को काउंसलिंग की थी, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे दोबारा से जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। बाकी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग भी काफी कंफ्यूजन थे स्टूडेंट्स को,
सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया। इसके साथ साथ आपका सीट मैट्रिक्स जो होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, आज ही मैं डिस्कस करूँगा, या इसके रिगार्डिंग आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा, या कोई भी आपको जो है वो किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा। जो भी कन्फ्यूजन आपका होगा जो है वो मैं आपको वीडियो के जरिए अच्छी तरह से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेंगे। ये था एक इंपॉर्टेंट वीडियो काउंसलिंग के रिगार्डिंग। कोई और कन्फ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।